राज्यसभा में आज भी जारी रहेगी आम बजट पर चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे सकती हैं जवाब। गुरुवार को करीब 10 घंटे हुई चर्चा में कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों के सांसदों ने लिया हिस्सा। भारतीय विमान पतन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक आज उच्च सदन में होगा पेश। ২০১৯-২০ के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर लोकसभा में रात 11:59 तक चली चर्चा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा 18 साल में पहली बार इतनी देर चली सदन की कार्यवाही। सभी सांसदों का जताया आभार। आगे की चर्चा के बाद आज होगा मतदान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी सदन की कार्यसूची में शामिल। कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच आज से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र। कांग्रेस जेडीएस ने विधायकों को जारी किया व्हिप। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद स्पीकर ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर नहीं लिया कोई फैसला। कहा जांच के लिए चाहिए और समय। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर। 17 जिलों के करीब 4.25 लाख लोग पीड़ित। सेना और एनडीआरएफ तैनात। मुख्यमंत्री ने की हालात की समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश और भूस्खलन से आम जनजीवन पर असर। बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। और 27 साल बाद क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड। दूसरे सेमीफाइनल में 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर 4थी बार फाइनल में बनाई जगह। न्यूजीलैंड के साथ रविवार को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। खिताबी भिड़ंत में जीतने वाला पहली बार बनेगा विश्व चैंपियन।